बीकानेर नगर स्थापना दिवस के मौके पर लक्ष्मीनाथ मंदिर पर्यावरण समिति के द्वारा चंदा महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। चंदा महोत्सव खासतौर से लक्ष्मीनाथ मंदिर की छत से किया जाता है। गौरतलब है कि रावणिका सहित पूर्व के 5 राजा लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में ही अपना घर बना कर रहे थे, लिहाजा यहाँ की रियासत और परंपराओं के साथ में लक्ष्मीनाथ मंदिर का गहरा नाता रहा है। वहीं चंदा उड़ाने की इस परंपरा का निर्वाह भी किया जाएगा। हमने इस चंदा महोत्सव के संयोजक सीताराम कच्छावासी की खास बात। बीकानेर नगर के 531वें स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन एवं श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 15 अप्रैल 2018 वार रविवार को चंदा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर जी के सामने श्री गणेश मंदिर परिसर में किया जाएगा। इसमें बीकानेर के चंदा कलाकार विभिन्न अपनी चंदों की आकृतियां लेकर के विभिन्न संदेशों की आकृतियां होगी वो लेकर के वहां पर उनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे। इसके साथ ही साथ चंदा उड़ाकर जो 500 साल पुरानी परंपरा है बीकानेर की, और इस कार्यक्रम का बीकानेर स्थापना दिवस के कार्यक्रमों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दिनांक 16 अप्रैल 2018 वार सोमवार को श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में जिला प्रशासन नगर विकास न्यास और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर विकास एवं पर्यावरण समिति के द्वारा श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर परिसर में ही भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस सांस्कृतिक संध्या में जहां स्थानीय कलाकार भाग लेंगे, इसके साथ ही साथ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अपने गायकी की धूम मचाने वाले बुंदुखा लंगा, कोहिनूर लंगा, सिकंदर खा लंगा की पार्टी होगी। इसके अलावा तेरा ताली, भवाई, कालबेलिया, पणिहारी और घूमन नृत्य की प्रस्तुति भी आपके सामने होगी। इसके साथ ही साथ रतनगढ़ के पास परबसर के हमारे 10 कलाकार भी इस प्रोग्राम में अपने प्रस्तुति देंगे। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने परिवार के बच्चों का और खुद का जन्मदिन हमेशा मनाते हैं, लेकिन आपके बीकानेर शहर जो आपका प्यारा शहर है, इसका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 531वां लक्ष्मीनाथ मंदिर में दिनांक 15 और 16 अप्रैल को। जरूर पधारें,